फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी यम्मी टेस्टी लग रही है बिरयानी। देखने में लग रही है ना, और बहुत ही खिले खिले बने हैं ये जो चावल है बिरयानी के। तो देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये वाली बिरयानी जो है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं बिना किसी फालतू मेहनत के, और एकदम इंस्टेंट बन जाती है बिरयानी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसको बनाना। देखिए मैंने यहाँ पे इसके लिए चावल लिए थे, तो ये जो नॉर्मल आते हैं बिरयानी वाले राइस, ये वही राइस है। तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद से मैंने इसको यहाँ एक पतीले में रखा था, क्योंकि हमको इसको भिगो करके छोड़ना है, यानी कि कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको भीगे रहने दें। तो देखिए मैं इसको अच्छे से साफ़ करके धो के और फिर रख दूँगी। एंड उसके बाद से यहाँ पे अगला स्टेप है, यहाँ हमने एक पतीला लिया था जिसमें तेल डाला था। तो ये पतीला फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, एंड और मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम 1 किलो चिकन ले रहे हैं और उसमें 1 ही किलो हम चावल डाल रहे हैं, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चावल चावल भी नहीं चाहिए हमको। तो नॉर्मली हमारे लिए बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट बना था ये, चिकन भी प्रॉपर था और चावल भी ठीक थे, तो इसी मेजरमेंट से बना रहे हैं हम। एंड उसके बाद से यहाँ पे हमने प्याज लिया था, जो कि ढेर सारा प्याज हम इसमें डालेंगे और इसको हमको भून करके निकालना है। तो देखिए तेल डाला था हमने, सरसों का तेल में हम बना रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पेस्ट बना के रखा था, जो कि है जिसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची, 3 चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद से हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है प्याज में, ताकि जो प्याज है वो जल्दी गल जाए। तो आपको कभी भी जल्दी हो प्याज गलाने के, तो उसमें नमक डाल दें, उसके वजह से ये जल्दी गल जाता है। तो देखिए धीरे धीरे कलर चेंज होने लग जाएगा इसका। और हमने इसमें कुछ साबुत लहसुन भी डाला था, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, जब मुँह में आता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। तो आप लोग ना हमारे इस तरीके से ज़रूर बिरयानी बना करके ट्राई करें, आप लोग को बहुत 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 यम्मी लगेगा, और एकदम इंस्टेंट रेसिपी है फ्रेंड्स, बिना किसी तामझाम के फटाफट बन जाती है। तो देखिए इसको भी अच्छे से चला करके हम छोड़ देंगे। और इधर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, आप लोग देख सकते हैं, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, और ये जो पीस के हमने जो मसाला रखा हुआ है ना, ये सेम इन्हीं सब चीज़ों का जो हमने लिया है, इसी को पीस करके रखा हुआ है। तो आधा का हमने पीस के बना लिया था और आधा जो है वो ऐसे ही खड़ा डालेंगे हम। तो साबुत जो मसाला है हमारा, वो हम चिकन मैरिनेट करेंगे तो भी डालेंगे, और जब हम चावल बॉईल करेंगे तो भी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया था, इसको अच्छे से साफ़ करके लिया है। और इधर हम दही डाल रहे हैं। तो नॉर्मली आप अगर दही आप लोग को ठीक ना लगता हो चिकन में, तो आप इसकी जगह नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इस रेसिपी में दही और नींबू दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दही डालने के बाद से हमने सारे खड़े मसाले भी डाल दिए, और जो मसाला हमने पीस कर रखा था वो भी हम इसी में ऐड करेंगे, और प्याज भी थोड़ा ऐड किया है। तो देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छा से सुनहरा कलर आने जितना भून लिया है हमने, और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो उसको निकाल लिया था हमने, और इधर देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो हमने चावल धो के रखा था वो 15 से 20 मिनट हो गया था, तो अब मैं इधर रख दूँगी ताकि वो अपना थोड़ा बॉईल आ जाए चावल में। हमको 80% तक चावल को कुक करना होता है। और इधर जो हमने प्याज को फ्राई किया था, वो फ्राई वाले प्याज और लहसुन भी हम इसी में डाल देंगे। और ये जो मसाला मैंने बताया था आप लोग को, जो खड़ा मसाला है उसी का हमने पाउडर भी बनाया है, तो वो भी डाल दिया हमने यहाँ पर, और नींबू भी ऐड कर देंगे। तो 1 किलो चिकन में हम यहाँ पे 1 नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है इसका। और जो बचा हुआ हमारे पास नींबू का जो छिकल होता है ना फ्रेंड्स, उसको हमने फेंका नहीं, वो जो हम जो चावल बॉयल होने के लिए रखा था उसमें हमने डाल दिया है। और उसके बाद से इधर हमने कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिसमें हमने नमक डाला है, लाल मिर्ची डाली है, और तीखी वाली कलर वाली दोनों लाल मिर्ची ऐड की है। एंड उसके बाद से हल्दी पाउडर भी डाला है इसमें, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों ही ऐड किया है हमने इसमें, और जो हमने पेस्ट बना के रखा था अदरक लहसुन हरी मिर्च का, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए तो इस तरीके से बना के देखेंगे, आप लोग को बहुत टेस्टी लगेगा खाने में, क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीका है बिरयानी बनाने का, और एकदम इंस्टेंट बन जाती है इससे, और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको बना के ट्राई करें। और देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मैरिनेट करना है हमको, तो ऐसे करके। और ये मैरिनेशन कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर रखें,
तो इसको पहले करके रख दें, बाकी का प्रोसेस आप लोग का होता रहेगा, तब तक ही अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा हमारा जो चिकन है। तो देखिए कितने अच्छे से, कितना अच्छा कलर भी इसमें आया और मैरिनेट हो गया है अच्छे से। और अब हम इसको ढक करके रख देंगे। तो देखिए पूरा मसाला इकट्ठा कर दिया था मैंने और अब मैं इसको ढक करके रख दूँगी। और इधर चावल में हम थोड़े खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें लौंग, काली मिर्च वगैरह है और जीरा भी हम डालेंगे, तो जीरा डाला जाता है। तो ये खड़े मसाले डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे भी हमने पतीले में तेल डाला था, बड़ी वाली इलायची डाली थी, जीरा डाला था। और देखिए हमने जो चावल अपने चढ़ाए रखे थे वो 80% कुक करके इसको इस तरीके से थाली में फैला दिया है हमने, ताकि ये आपस में चिपक के गीले गीले ना हो जाए। और बचा हुआ प्याज हम इधर डाल देंगे, तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालें। तो प्याज डाल दिया हमने डाल के, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो प्याज है वो भी बहुत अच्छे से भून जाएगा। तो पूरा अच्छे से फैलाते हुए इसको भून लें। और फ्रेंड्स चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, एक बार जा कर के ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी वे में बनने वाली रेसिपी शेयर की हुई है, जो कि फटाफट बन जाती है घर के सामान से, उसके लिए ज़्यादा आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब भी कर दें। मेरा पहली बार आए चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड इधर देखिए हमारा जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट 80% तक कुक हो गया है। तो इसको हमको 90% तक कुक करने के बाद से इसको हम लेयर लगाएंगे। तो देखिए हमने आधा चिकन को निकाल लिया था पहले ही, और आधा चिकन निकालने के बाद से हमारा जो चावल था उसको हम इस तरीके से डाल देंगे। तो एक लेयर ही हमारी लग चुकी है, एंड उसके बाद से फिर वापस से हम इस पर चिकन डालेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड की जो भी आवाज़ है प्लीज़ इसको अवॉइड करें। तो देखिए यहाँ पे थाली में हमने निकाल लिया था इसको, और निकालने के बाद से आधा आधा करके लगाएंगे, यानी कि हम तीन लेयर हम इस पर लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना टेम्पटिंग दिख रहा है हमारा जो चिकन है। और जैसे हमने इसको बनाया है उस तरीके से आप नॉर्मल चिकन ग्रेवी भी बना सकते हैं नींबू दही के साथ मैरिनेट करके, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। देखिए और फ्रेंड्स ये जो बिरयानी है ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो इन्होंने बनाई है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कमेंट में फीडबैक ज़रूर शेयर करें, कैसी बनी आप लोग को बिरयानी और कैसी लगी आप लोग को मेरी रेसिपी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है, पूरी ग्रेवी को अच्छे से डाल देंगे। डालने के बाद से एक लेयर और लगा दी हमने ऊपर से राइस की, एंड उसके बाद से यहाँ जो रेड वाला फूड कलर होता है, ऑरेंज वाला, वो हमने यहाँ पे ऐड किया है। आपके पास ग्रीन वाला हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मली बिरयानी में ऑरेंज वाला ही यूज होता है। एंड उसके बाद से थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाला था। तो देखिए कितना कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये। और साइड साइड से थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, जिसकी वजह से हमारे जो चावल में बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी बिरयानी बनके। ये नॉर्मली आधा घंटा से 45 मिनट जितना टाइम इसमें लगता है बनने में, और आराम से बन जाती है, एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, इससे जल्दी कोई नहीं बना पाता बिरयानी। तो देखिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा खिला खिला चावल भी हमारा बना है, और बहुत अच्छे से बन गया है, और क्वांटिटी भी काफ़ी हुई है। तो नॉर्मली हमने 1 किलो चावल का बनाया है ये, और इसकी वजह से 5-6 लोगों के लिए सफिशेंट था, ये काफ़ी था, तो उस हिसाब से आप लोग क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी, यम्मी सी और एकदम क्विक बन के चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही यम्मी लगेगी खाने में। तो आप लोग भी खाएं पिए, एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो